गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। यस, सो टुडे आई एम टेकिंग योर प्रीवियस क्लास एंड टुडे यस पेज नंबर कितना है? हाँ तो बेटा लिसन टू मी केयरफुली, टुडेज टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट एंड टू ऑल ओपन द पेज नंबर 30। Today's our topic is transport. We will do the revision of this topic. है ना, ये पहले मैंने आपको एक्सप्लेन हो चुका है ये चैप्टर। सो ट्रांसपोर्ट मीन्स, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रांसपोर्ट? स्कूटी। आप ट्रांसपोर्ट के बारे में जो भी कुछ आपको हो पता हो वो बता सकते हैं। ओके, हाँ स्कूटी बोला किसी ने? आप लोगों का सारा साथ साथ में साउंड आ रहा है ना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। एक एक करके बोलेंगे ना। अब बताइए, पहले बताइए, आप बताइए पंखुड़ी क्या बोल रही थी आप? देखिए, अब पहले इसको क्या हम समझते हैं रिवीजन के में, ट्रांसपोर्ट क्या होता है। देखिए, ट्रांसपोर्ट मीन होता है वी कैन ट्रेवल, है ना, वन स्पेस टू अनदर। दे यूज थ्री मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी थ्री टाइप्स होती है, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। मीन्स हम एयर के थ्रू, और ये जो रोड होता है बाय रोड एंड एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू भी हम वन प्लेस से अनदर प्लेस में, वन कंट्री से अनदर कंट्री में हम जा सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट में। अब देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। लैंड ट्रांसपोर्ट में होता है ये जो भी इसमें ट्रांसपोर्ट की डिवाइस जो भी है ना, वो क्या है? तो लैंड ट्रांसपोर्ट में, हाँ ना, जो पिक्चर्स बना है ना, ये सारा कुछ। ओके, आप देखिए मैम को सुनेंगे और मैम जब पूछेंगे तब मैम को बताएंगे अगर मैम ने जो भी पूछा हुआ हो। ओके, तो देखिए अब हम पहले लेते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट में। लैंड ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है कि जो भी ट्रांसपोर्ट की जो हम मेथड यूज करते हैं वो ऑन रोड होता है ना। ऑन रोड के थ्रू हम वन प्लेस से अदर प्लेस में जा सकते हैं, तो वी कैन यूज द लैंड ट्रांसपोर्ट। तो देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले आपके जो बुक में पिक्चर बना हुआ वो किसका है? ये बस है, है ना। यूएस बस। आप लोग मुझे बताएं अबाउट बसेस, बस के बारे में, बस के बारे में। यस, मैं अपने इस तरह की एक किताब लेके आता हूँ। लेके नहीं बैठे थे? कौन लेके आ रहा है ये? ओके, तो देखिए आप बताइए बस के बारे में, बताइए आपको जो भी कुछ आता हो बताइए बस के बारे में, जो भी जानते हो आप। हाँ तो देखिए बस में, अब मैं बताती हूँ, है ना, बस क्या होता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। और बस में क्या है? मैनी पीपल कैन ट्रेवल टुगेदर। बस क्या होता है, देखिए आपको दिख रहा है काफी लार्ज है, बिग है ना। इसमें क्या है, काफी पैसेंजर जो होते हैं मैनी पीपल में टुगेदर साथ में बैठ सकते हैं। ओके, और ये क्या है? पब्लिक, यस, बस।
और बस क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वी कैन यूज बसेस फॉर गो वन प्लेस टू अनदर, एंड स्कूल बसेस भी होती है ना, स्कूल भी आप जब आते थे कुछ बस से भी आते थे कुछ स्टूडेंट्स। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज ट्रक। देखिए ट्रक, टी यू सी के ट्रक। ओके, अब देखिए ट्रक में क्या है, ये ट्रक जो होता है बताइए, विच इज यूज टू कैरी। मैम ट्रक ना वो सामान ले जाता है। ट्रक क्या है, ये कैरी लोड कह रहे, ये काफी जो सामान होते हैं, काफी वेट भी रहता है उनमें जो भी, तो वो सारा कुछ कैरी किसमें होता है, ट्रक में, है ना। आपके में देखिए क्वेश्चन भी है उसमें कि नेम द ट्रांसपोर्ट विच इज यूज टू कैरी लोड। तो यहाँ पे टू एग्जांपल है, कार है और ट्रक है। तो ट्रक क्या है, लोड कैरी करता है ना, जो भी आपका थिंग्स है, जो भी मटेरियल, जो भी इसे हम घर में आने में जो भी है प्रोडक्ट कुछ भी होता है, तो हम उसको ट्रक में लोड करके वन प्लेस से अदर प्लेस में लेके जाते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये भी ऑन रोड, ये ट्रांसपोर्ट का जो है ये भी रोड में ही रन होता है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा, अब बताइए ऑटो रिक्शा आप लोगों ने देखा है, देखा है ना, बताइए इसमें हाउ मेनी व्हील्स, इसमें कितने पहिए कितने होते हैं, इसमें व्हील्स ऑटो में होते हैं ना। यस, सो दिस इज ऑटो रिक्शा। यस, एंड इट हैज थ्री व्हील्स। ओके, एंड ऑटो रिक्शा वी कैन यूज फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यस, कौन कह रहा बेटा, ये मैम, यस यस लेट के बोल रहा है कोई बच्चा। बेटा आपका वॉइस नहीं क्लियर आ रहा मुझे, आप अच्छे से बैठ के बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि कोई बच्चा लेट के पढ़ रहा है। कौन बच्चा लेट के पढ़ रहा है, मुझे तो ये दिख रही है, मुझे गर्ल है ये, है ना। क्या नाम बेटा इसका, नाम नहीं शो हो रहा है इस पर। बेटा अच्छे से सुनिए आप लोग, है ना, अगर मैं पूछूंगी क्वेश्चन सबको आना चाहिए, जो भी पूछूंगी उसके बारे में जो मैं बता रही हूँ ना, इसी से रिलेटेड पूछूंगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में, आते हैं स्कूटर। स्कूटर S-C-O-O-T-E-R स्कूटर। अब बताइए हाउ मेनी व्हील्स स्कूटर हैव, स्कूटर टू व्हील्स ना, स्कूटर एंड स्कूटर हैज टू व्हील्स। ओके, एंड ओनली टू पीपल, है ना, ओनली टू पीपल कैन ट्रेवल इन स्कूटर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कार, सी ए आर कार। सी ए आर कार, देखिए आपको पिक्चर दिख रहा है ना कार का, तो दिस इज अ कार, एंड कार में क्या होते हैं, वी कैन ट्रेवल विद अवर फैमिली, है ना, इसमें हम अपनी फैमिली के साथ में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं जैसे हम जिस भी पर्पज से जाना है, है ना, जैसे घूमने कहीं जाना है, किसी के मतलब किसी के घर में सेलिब्रेशन, कुछ भी जो भी प्रोग्राम फंक्शन में है, ये कार जो होता है अवर फैमिली, है ना, वो फैमिली में सारा फैमिली सिटिंग, और वी कैन ट्रेवल ऑन दिस। ओके, नाउ वी कम नेक्स्ट, बाइसिकल। आई सी वाई सी एल ई बाइसिकल, बाइसिकल आप लोग चलाते हैं,
आप लोग इसको यूज करते हैं बाइसिकल को? करते हैं ना यूज? ओके, बाइसिकल। अब देखिए बाइसिकल क्या है, आप लोग बताइए बाइसिकल के बारे में जो भी कुछ आपको आता हो, जो बताना चाहते हैं वन बाय वन करके बताएंगे। रेस योर हैंड एंड वन बाय वन करके बोलना है किसी को। तीन पहिए होते हैं साइकिल में, बच्चों वाले साइकिल में होते ना, किड्स की साइकिल। हाँ बोलिए। बाइसिकल इट हैज टू व्हील्स एंड इट कैन बी यूज्ड टू ट्रैवल। यस ओके। हाँ देखिए अब मैम को सुनेंगे अभी। देखिए बाइसिकल का यूज जो होता है ना, तो इसमें क्या है, बाइसिकल इट कैन बी यूज ट्रेवल टू शॉर्ट डिस्टेंस, है ना। शॉर्ट डिस्टेंस में हमको कहीं जाना होता है तो वी कैन यूज बाइसिकल। एंड नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ये एक्सरसाइज के लिए भी गुड होती है ना। बाइसिकल के थ्रू क्या है, हमारा एक्सरसाइज भी अच्छी होती है इसमें। और देखिए आपके बुक में क्वेश्चन है, नेम द ट्रांसपोर्ट विच इज कॉमनली यूज इन रूरल एरियाज, है ना। रूरल एरियाज में मोस्टली बाइसिकल का यूज अभी भी करते हैं। बेटा आप बात कर रहे हैं, ये साउंड काफी हो रहा है बेटा, कौन बात कर रहा है ये? अभी मैम को सुन लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, फिर मैं पूछूंगी। ओके, अब देखिए अब लास्ट इसमें है जो हमारा ट्रांसपोर्ट का पिक्चर है, एक बना हुआ ट्रेन का, है ना। एंड द स्पेलिंग, द स्पेलिंग ऑफ ट्रेन, T-I-N। हाँ आप बताइए ट्रेन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप लोग कोई भी? हाँ अब देखिए आप मैम बोलेंगी, है ना। ट्रेन में क्या है, देखिए जो बॉक्सेस है ये सारे इसमें क्या है, टुगेदर ज्वाइंट रहते हैं, काफी लॉन्ग होती है ये, है ना। एंड क्या होता है, ट्रेन इज रन, कहाँ पर रन करती है, रेलवे ट्रैक, है ना, ट्रैक पर रन करती है। ओके, और इसमें क्या है मेन, कोई बताना चाहेगा अबाउट ट्रेन? इसमें फ्यू पीपल ट्रेवल करते हैं या मैनी नंबर ऑफ पीपल? यस मैनी, है ना। हाँ मीन्स ट्रेन में क्या है कि इसमें लार्ज क्यूपल नंबर, इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्यूपल जो है इसमें ट्रेवल करते हैं, पैसेंजर काफी होते हैं, है ना। और ये कहाँ पर रन करता है, अभी सारा जो भी ट्रांसपोर्ट देख रहे थे लैंड का, ये सारे ऑन रोड पर है ना। और ये जो होता है क्या होता है, रेलवे ट्रैक। बेटा व्हाई आर यू फाइटिंग, व्हाई आर यू फाइटिंग? यस कहीं छोड़ सकती है क्या बेटा? कहीं भी छोड़ सकती है ट्रेन, कहीं भी छोड़ सकती है। देखिए ट्रेन के लिए क्या है ना, स्टेशन बने होते हैं ना, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में रन होता है, और मेन प्लेटफॉर्म से हम इसमें जाते हैं और ये स्टेशन पर रुकती है, ये कहीं भी नहीं छोड़ती है। और ये क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होती है। ओके अब हम आगे, यस यस वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट आते हैं एयर ट्रांसपोर्ट पे। एयर, आप नेक्स्ट पेज ओपन करिए। ओके, अब देखिए एयर में क्या है, अब एयर के बारे में कोई, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में कोई भी कुछ बताना चाहता है? मैम,
देखिए ये जो भी है ना एयर ट्रांसपोर्ट में मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है कि ये जो सारे अभी जैसे हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में देख रहे थे, ये सारे का आपका रोड में रन करते थे ना, और ये एयर ट्रांसपोर्ट ये कहाँ पे फ्लाई होते हैं, एयर है ना, एयर में, ओके, इन द स्काई एयर. सो लेट्स फर्स्ट इज दिस इज एरोप्लेन, दिस इज एन एरोप्लेन, एरोप्लेन एरोप्लेन, ओके. अब देखिए एरोप्लेन में क्या होता है, आपको दिख रहा है ना, इट हैज टू विंग्स, है ना, इट हैज टू विंग्स, और ये कहाँ पर फ्लाई करती, इन द स्काई एयर, ओके. इसमें क्या है, ये काफी फास्ट है ना, काफी फास्ट रन होता है ये एरोप्लेन. इसमें क्या है, हम यूज क्या करते हैं इसका, वी कैन गो वन प्लेस टू अनदर, वन कंट्री टू अनदर, है ना. सो वी कैन यूज दिस डिवाइस ट्रांसपोर्ट, ओके, एरोप्लेन. और इसमें क्या है, मेनी लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स कैन ट्रेवल, ओके. और एरोप्लेन जो होता है, देखा आप लोगों ने, यस है ना, यस, ओके. और एरोप्लेन कहाँ पे, एयरपोर्ट में जाना होता है ना, ओके. और नेक्स्ट देखिए, अब हम आते हैं हेलीकॉप्टर, HELICOPTER, हेलीकॉप्टर, ओके. और हेलीकॉप्टर भी देखिए इसमें क्या है, अप साइड देखिए फैन लगा होता है ना, ये क्या है, फ्लाइंग होता है, ये भी क्या है, स्काई पर, ये भी काफी फास्टेस्ट रन होता है, और इसमें नंबर ऑफ प्यूपल जो होते हैं फ्यू, ओके. हाँ हेलीकॉप्टर है ना, पर नेक्स्ट इसमें बना हुआ ट्रांसपोर्ट एयर में. अब नेक्स्ट हम आते हैं रॉकेट, आर ओ सी टी, रॉकेट है ना. अब देखिए रॉकेट का यूज जो होता है वो क्या होता है, कोई बता सकता है रॉकेट का यूज क्या है, हाँ ये क्या है, स्पेस डिवाइस होती है ना. रॉकेट का क्या है, जैसे कोई भी साइंटिस्ट है ना, उसमें जैसे कोई मिसाइल वगैरह सारा कुछ जो भी हमको इसमें एक्सपेरिमेंट होता है ना, रॉकेट का यूज होता है. ये काफी फास्ट रन करता है ऑन द स्काई एयर पर, ओके. अब नेक्स्ट हम आते हैं पैराशूट, अब देखिए पैराशूट क्या होता है, ये जो होते हैं बिग बलून, और ये हॉट एयर के थ्रू ये हाँ वेरी गुड है ना, लैंड करते अच्छे से, और ये भी क्या है, फन के है ना, फन के पर्पज पे, ओके. अब हम नेक्स्ट आते हैं वाटर, अब देखिए वाटर में क्या है, ये जो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर के, तो मेन इसका क्या मेन होता है कि ये सारे वाटर पर क्या होते हैं, रन करते हैं, ओके, ये सारी डिवाइस. अब आते हैं वाटर पर, फर्स्ट है एस एच आई पी, इसमें क्या बोला, यस एस एच आई पी शिप. आप देखिए शिप के बारे में क्या होता है, दिस इज अ शिप, देखिए बुक में आपको दिख रहा है ना ब्लू कलर में, ये दिस इज अ शिप एंड यस लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन ट्रेवल ऑन रेल, है ना, शिप में. और इसमें क्या है, ये क्या है, लार्ज डिस्टेंस ऑफ वाटर, है ना, इसमें क्या है, लार्ज डिस्टेंस ऑफ वाटर लेक टू रिवर मीन्स वाटर. बेटा क्या बोल रहे हैं आप, ये तो वाटर मतलब पानी, हाँ पानी पर चलती है ना, वही मैं बोल रही हूँ ना.
इसमें क्या है, ये जो शिप है इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन ट्रेवल, ओके। हाँ जल भी बोलते हैं ना, वाटर पानी, ओके okay? अब इसमें क्या है कि ये जो है सरफेस ऑफ वाटर है ना, सरफेस वाटर पे ये रन करती है, ओके okay? और इसका यूज क्या होता है, लार्ज डिस्टेंस के लिए, लार्ज डिस्टेंस ऑफ वाटर, सो वी कैन यूज दिस ट्रेवल, ओके। नाउ वी कम नेक्स्ट, यस नेक्स्ट इज स्टीमर, एस टी टी ए एम ई, यस बोलिए कौन बोल रहा, स्टीमर, हाँ बोलिए बेटा स्टीमर। हाँ तो देखिए स्टीमर जो होता है दैट मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ओके यस। और ये भी क्या है, काफी फास्ट रन करता है वाटर पे, सरफेस पर काफी फास्ट, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, बोट, बी ओ ए टी बोट, इनमें से आपने बोट तो काफी देखी होगी है ना, ये शिपोर्ट में ही देखने को मिल जाती है, ओके। हाँ ये हाँ वेरी गुड है ना, तो ये जो बोट होते हैं ना, तो देखिए आपकी बुक पर बना हुआ है ना पिक्चर बोट का, और ये क्या होता है शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ वाटर है ना, शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ वाटर में मीन्स हम थोड़ा कम दूरी पे, या फिर हम इसको अपने एंजॉय फन के पर्पज से भी यूज करते हैं, और कुछ जैसे होते फिशेस के लिए भी है ना, वाटर में जो फिश होते हैं ना उसको भी लेने के लिए बोट का यूज करते हैं, ओके। तो ये सारे कुछ जो है डिवाइस है वाटर में, वाटर के अभी हम ट्रांसपोर्ट देखा, हम अगेन आते स्टार्टिंग से, आपको बस इतना समझना है कि जो भी ये डिवाइस है कहाँ रन करती है, ओके। अब देखिए लैंड डिवाइस के बारे में मैंने बताया था, ये सारे जो होते हैं लैंड पर रन करती है ना, लैंड मीन्स ऑन रोड, ओके। ये एयर ट्रांसपोर्ट में जो भी था ये कहाँ पे, फ्लाइंग इन द स्काई, और ये काफी फास्ट रन करती है। एंड नेक्स्ट ये जो है शिप स्टीमर बोट, ये सारी कहाँ करती है, सरफेस ऑफ वाटर, ओके। तो ये हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना, अब आपको कुछ क्वेश्चन इसको रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट इज नेम द ट्रांसपोर्ट विच इज यूज टू कैरी लोड, एंड द क्वेश्चन इज देयर इज टू ऑप्शन कार एंड ट्रक, सो टेल मी व्हाट इज द करेक्ट, ट्रक है ना, ट्रक, क्योंकि इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा ये है ट्रांसपोर्ट है जो लोड को मतलब कैरी कर लेता है काफी लोड में, तो कार नहीं है, इसका आंसर क्या है, ट्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ट्रांसपोर्ट विच इज कॉमनली यूज इन रूरल एरियाज, कार और बाइसिकल, रूरल एरियाज में कार या बाइसिकल क्या कॉमनली यूज होता है, बाइसिकल है ना, ओके। नाउ वी कम नेक्स्ट, नेम द ट्रांसपोर्ट दैट मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मीन्स आपका जो क्वेश्चन है या कौन बेटा ये साउंड कर रहा है, पंखुड़ी, पंखुड़ी, ओके। अब देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन जो है, इसमें टू ऑब्जेक्टिव है, इनमें से देखना है कि इसमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो वाटर के सरफेस पर मूव करता है ना, तो रॉकेट और स्टीमर। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसमें, ये रॉकेट है या स्टीमर है, ये रॉकेट है, ये स्टीमर, वाटर पे कौन इसमें रन करता है, स्टीमर है ना, यस ये मूव करता है वाटर पर। अब आते हैं बोट सेल्फ ऑन लैंड और वाटर, अब बताइए जो बोट है ना ये लैंड पर या वाटर पर, इसको कहाँ पर यूज करते हैं, वाटर पर, यस ओके। सो टुडे सफर टॉपिक इज फिनिश्ड, समुद्र का पानी कह रही थी ना, यस ओके, नहीं समुद्र नहीं बेटा, रिवर वगैरह में भी तो बोट यूज होती है ना। अब ओके सो दैट इज कंप्लीटेड, एंड डू रिविजन एट योर होम, एंड योर आपके जो एग्जाम है ना ऑनलाइन बस 12 से है, ओके ओके, सो बाय, टेक केयर, बाय 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 बेटा।